की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। कानपुर में भाजपा का क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन आज है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज। क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जीत का मंत्र। कानपुर में भाजपा का सम्मेलन आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन आज। क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में करेंगे शिरकत। कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जीत का मंत्र। 2022 के चुनाव को देखते हुए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लगातार दौरे और रैलियां की जा रही हैं। इसी क्रम में संगठन की मजबूती के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है, जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया है कानपुर में, जिसमें शामिल होने के लिए जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में हैं रहेंगे। क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, जीत का मंत्र देंगे। 2022 चुनाव पता करने के लिए चुनाव कार्यकर्ताओं को निर्देशित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा आज। कानपुर में भाजपा का क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन आज आयोजित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, जीत का मंत्र फूकेंगे और 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी रैलियां और दौरे कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा फैसला लेते हुए बड़े सितारों को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह सभी लोग शामिल हैं। अलग अलग क्षेत्रवार इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ गए हैं। मधुर मोहन, आज जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर हैं, क्या है तैयारियां? आप बता दें, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पे हैं। आज उनके तीन कार्यक्रम कानपुर शहर के अंदर लगे हैं। पहला कार्यक्रम उनका जो लगा है वो जुहू स्थित नामदेव गुरुद्वारे में लगा। उसके बाद आज सबसे बड़ी बात ये है कि आज कानपुर बेलखंड का जो कार्यालय बनाया गया नौस्था स्थित, उसका आज शुभारंभ भी करेंगे। और उसके बाद एक बूथ सम्मेलन रखा गया है, जिसमें 2200 बूथ के अध्यक्ष होंगे, उनको आज संबोधित करेंगे और उनको जीत का मंत्र देंगे। तैयारी प्रशासन तरफ से पूरी कर ली गई है। जगह जगह पुलिस लगा दी गई, चौकन्ना कर दिया गया पूरा क्षेत्र। पूरा क्षेत्र को सील कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और 1 बजे आज ये पुलरेखंड की जो बैठक होनी है, जो महासम्मेलन होना, उसमें सम्मिलित होंगे। जी ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मधुर मोहन जी थे हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जगह जगह पर पुलिस लगाई गई है और 3 जगह कार्यक्रम है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या तैयारियां हैं इस समय, कितने बजे तक आ रहे हैं ये लोग, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ? सुनील, हमारी आवाज आ रही है आप तक? शायद सुनील गुप्ता संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बता दें आपको कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर हैं, जहां बूथ कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। 2022 चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक्टिव मोड में है और लगातार 19 नवंबर को पीएम मोदी ने महोबा और झांसी में सौगात दी थी।
और यहाँ रुके।